हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। आज की वीडियो में मैं अनबॉक्स और टेस्ट करने वाला हूं स्मार्ट एटीएम पिगी बैंक। तो इस तरह के बॉक्स में आ जाता है हमें ये एटीएम पिगी बैंक, देख सकते हो। इसे मैंने खरीदा था अमेजोन से 1500 रुपीस में। मैं आपको इसका प्राइस भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो गाइस, ये रहा अमेजोन। इसे मैंने खरीदा था 4 जनवरी को। तो यहाँ पे इसका प्राइस आप देख सकते हो 1499, ऑलमोस्ट 1500 ही समझ सकते हो आप। तो ये दो कलर्स में अवेलेबल है, एक है वाइट पिंक और एक है वाइट येलो। मैंने यहाँ पे मंगवाया है वाइट येलो कलर। तो यहाँ पे मैंने एक और पिगी बैंक भी रखा है, आप देख सकते हो। इस पिगी बैंक की वीडियो मैंने दिसंबर में डाली थी गाइस, आप लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था ये वाले पिगी बैंक को, क्योंकि एक स्मार्ट पिगी बैंक है। आप इसके अंदर जैसे ही पैसे वगैरह डालते हो तो ये स्मार्ट तरीके से कैलकुलेट करके आपको बता देता है कि इसके अंदर आपने कितने पैसे डाले थे। तो इसका साइज बहुत ही छोटा लगा था गाइस मुझे, तो आप में से बहुत सारे लोग नीचे कमेंट्स में भी लिख रहे थे कि इससे भी एक अच्छा वाला पिगी बैंक लाने के लिए। तो गाइस मैं आपके लिए ढूंढ ढूंढ कर लेके आ चुका हूं एक और पिगी बैंक, इससे ज्यादा बड़ा वाला पिगी बैंक है ये। ऑलमोस्ट दोनों का प्राइस सेम है गाइस, इसका प्राइस है 1400 रुपीज, इसका प्राइस है 1500 रुपीज। दोनों का बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इन दोनों ही पिगी बैंक्स को खरीद भी सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसे अनबॉक्स करके देख लेते हैं क्या ये पिगी बैंक सच में स्मार्ट है कि नहीं, क्योंकि यार ये जो पिगी बैंक है बहुत ज्यादा स्मार्ट है। तो चलिए इसे अनबॉक्स करके देख लेते हैं क्या ये पिगी बैंक सच में स्मार्ट है कि नहीं। दोस्तों, आपने अभी तक चटपट टॉय टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकॉन भी दबा देना और ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं वो वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। तो इसके अंदर की सारी चीजें निकाल लेते हैं जल्दी से। तो बॉक्स हो चुका है खाली। तो ये है इसकी यूजर गाइड, आपको पासवर्ड वगैरह किस तरह से सेट करना है सारी चीजें इसके अंदर दी जाती है। इसे रख देते हैं अपन साइड में। ओ भाई साहब, एक एटीएम भी मिल जाता है हमें, वाह यार। तो इसका एटीएम मैं आपको बताता हूँ, ये देख सकते हो, इसका बहुत ही छोटा वाला एक एटीएम मिलता था, पर इसका देख सकते हो रियल वाला एटीएम का जो साइज है उस तरह का मिलता है ये। इसे वापस से रख देते हैं यार। तो और कुछ है यहाँ पे, ये भी निकाल के बता देता हूँ मैं आपको। ओ भाई साहब, डिस्पेकेबल मी मिनियंस के कार्ड्स मिलते हैं हमें, शायद ये मूवी कार्ड्स है क्या यार, लगता तो नहीं है। तो ये मिनियन के थीम पर बनाया गया है पिगी बैंक। तो इन सारी चीजों को रख देते हैं अपन साइड में। तो दोनों का साइज मैं आपको बता देता हूं गाइस, आप देख सकते हो काफी ज्यादा बड़ा है यार ये। तो इसकी सबसे खास बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे आप जैसे ही नोट्स रखते हो ये अंदर सक कर लेता है, पर ये पिगी बैंक वो काम नहीं कर पाता है गाइस, आपको इसके अंदर नोट्स फोल्ड करके डालने होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी ये स्मार्ट तरीके से कॉइन्स को कैलकुलेट कर सकता है। जैसे ही आप इसके अंदर कॉइन्स डालते हो, यहाँ पे स्मार्ट तरीके से कैलकुलेट करके बता देता है कि आपने कितने का कॉइन डाला है इसके अंदर। तो देखते हैं इसे चेक करके। तो यहाँ पे 3 बैटरीज डालनी होती है हमें, मैंने ऑलरेडी इसके अंदर बैटरीज डाल के रखी हुई है गाइस। तो यहाँ से इसका ऑन ऑफ वाला स्विच है, इसे ऑन कर देते हैं। ओ भाई, ऑन हो चुका है ये। तो काफी ज्यादा अच्छी बड़ी डिस्प्ले दी गई है इसके अंदर, आप देख सकते हो। इसके अंदर बहुत ही छोटा सा डिस्प्ले यार, बहुत ही मुश्किल से नजर आता है ये डिस्प्ले। काफी ज्यादा बड़ा भी है और ब्राइट भी है। इसके नंबर्स भी आप देख सकते हो, काफी ज्यादा बड़े बड़े नंबर्स दिए गए हैं इसके अंदर। तो ऊपर हमें यहाँ पे डेट नजर आ रहा है, यहाँ पे टाइम नजर आ रहा है। तो पहले मैं इसका डेट और टाइम सेट कर देता हूँ। तो अभी अभी मैंने यहाँ पे डेट और टाइम वगैरह सेट कर दिया है। तो आज की डेट है 15 जनवरी 2021। तो टाइम हो चला है अभी सुबह के 7 बज रहे हैं गाइस। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सारी चीजें सेट कर दी है। तो अभी इसके अंदर पासवर्ड किस तरह से चेंज करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर डिफॉल्ट जो पासवर्ड आता है 0000 आता है, 1 2 3 4। अरे ये क्या खुला ही नहीं भाई। तो यहाँ पे इसकी तिजोरी है, ये खुलकर बाहर आ जाती है। ओ यार रुक जाओ, इसके अंदर एटीएम कार्ड लगाना होता है हमें, क्योंकि ये एक स्मार्ट पिगी बैंक है। तो इसके अंदर पहले हम एटीएम लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से, फिर नंबर डालेंगे। ओ तो अभी देख सकते हो ये खुल चुका है यहाँ पर। तो अभी पासवर्ड किस तरह से चेंज करना है ये आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको स्टार नजर आ रहा है ना गाइस, इसे इस तरह से होल्ड करेंगे तो देख सकते हो इसके अंदर 2 लाइट्स ब्लिंक हो रही है। तो भी आप जो अपना मनचाहा पासवर्ड यहाँ पे डायल कर सकते हो। मैं यहाँ पे लगाऊंगा 1425 और फिर यहाँ पे दबाऊंगा हैश।
ओके तो पासवर्ड चेंज हो चुका है, तो ये मैंने क्लोज कर दिया, आप देख सकते हो ये खुलेगा नहीं। तो पहले हम इसके अंदर डिफॉल्ट पासवर्ड लगा के देखते हैं खुलता है कि नहीं। 1 2 3 4 तो यहाँ पे रेड कलर की लाइट ब्लिंक हो रही थी कि यानी कि एक रॉन्ग पासवर्ड है। फिर एक बार बताता हूँ मैं आपको, ओ बोल रहा है ये। तो हमने जो पासवर्ड लगाया था वो डायल करके देखते हैं अभी, 1 4 2 5। तो यहाँ पे ग्रीन लाइट जलने लगी है और ये इस तरह से ओपन हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक और बटन दिया गया है, ये मुझे पता नहीं यार क्यों दिया गया है, इसे दबा कर भी देखते हैं। ओहो तो यहाँ पे एक लाइट जल रही है इसे दबाने पर, पता नहीं यार क्यों फालतू में दे रखा है इसे, बंद कर देते हैं। सीधा अपने मुंह पर ही मार रही है ये लाइट। तो यहाँ पे कॉइन्स भी डाल के अभी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे नोट्स भी डाल के बताऊंगा, देखते हैं ये क्या स्मार्ट तरीके से कैलकुलेट कर पाता है कि नहीं पिगी बैंक। ओ यहाँ पर मैंने ले लिए हैं कॉइन्स, तो इसके अंदर 2 रुपीज के कॉइन्स है और 1 रुपी के भी कॉइन्स है और एक 5 रुपी का भी कॉइन है। तो इसके अंदर पहले मैं डाल रहा हूँ 2 रुपी वाला कॉइन, देखते हैं। यार यहाँ पे ये 1 रुपी ही कैलकुलेट कर रहा है, इसका सेंसर लगता है सही से काम नहीं कर रहा है। तो ये देख सकते हो ये कितने वाला है, 2 रुपी वाला ही कॉइन है। एक और बार ट्राई करते हैं, अरे यार ये तो सिर्फ 2 रुपी को 1 रुपी के नीचे ही कैलकुलेट कर रहा है। अभी 1 रुपी वाला कॉइन डाल के देखते हैं, अरे भाई साहब ये 50 पैसे का कॉइन कैलकुलेट कर रहा है यार 1 रुपी के कॉइन को। तो एक और बार मैं आपको बताता हूँ, 1 रुपी वाला कॉइन है ये। ओ भाई साहब ये तो गलत तरीके से कैलकुलेट कर रहा है यार। तो ये 5 रुपी वाला कॉइन है, इसे डाल के देखते हैं। तो पिगी बैंक है सही से कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है यार कॉइन्स को। तो गाइस ये पिगी बैंक की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपने नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हो, क्योंकि यार ये जो पिगी बैंक है बहुत ही एक्यूरेट तरीके से कैलकुलेट करता है हम जैसे इसके अंदर कॉइन्स वगैरह डालते हैं। तो यहाँ पर अभी हम नोट्स भी डाल के टेस्ट कर लेते हैं क्या ये सही से सक करता है कि नहीं नोट्स को। तो यहाँ पर मेरे पास 2000 के नोट्स हैं और 500 के भी नोट्स हैं, तो चलो चेक करते हैं गाइस। पहले 500 के नोट्स टेस्ट करते हैं। ओ भाई गजब, बहुत ही फास्ट है, वाओ। तो हम यहाँ पे एक साथ 3-3 नोट्स भी डाल के देखते हैं क्या है कैलकुलेट करता है कि नहीं। भाई रुक जाओ, इसके अंदर पता नहीं अजीब तरीके से एक म्यूजिक भी चल रही है जैसे हम इसके अंदर नोट्स डालते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है कि मैंने इसके अंदर कितने के नोट्स डाले हैं। ये सिर्फ कॉइन्स ही कैलकुलेट करता है, वो भी रॉन्ग कैलकुलेट कर रहा है गाइस। तो 2000 के भी नोट्स डाल के देखते हैं इसके अंदर क्या कैलकुलेट करता है कि नहीं। तो एक नोट डालते हैं पहले 2000 का, नहीं कैलकुलेट कर रहा यार। दो नोट्स डालते हैं, तो गाइस आप लोगों ने देख लिया ना, ये पिगी बैंक स्मार्ट पिगी बैंक तो नहीं है यार, और इसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा है और इसकी बिल्ड क्वालिटी तो मैं क्या ही बताऊंगा गाइस, आप खुद ही देख सकते हो बहुत ही जबरदस्त प्लास्टिक की क्वालिटी है। अगर आप कोई स्मार्ट पिगी बैंक खरीदना चाहते हो तो ये वाला पिगी बैंक जरूर से खरीद सकते हो। और गाइस मैं आपको बता दूं इसका साइज काफी ज्यादा छोटा है, आप ज्यादा पैसे इसके अंदर स्टोर नहीं कर पाओगे। और एक बात गाइस, इसके अंदर आपको नोट्स फोल्ड करके डालने होते हैं, ये सक नहीं करता है अंदर। तो ये वाला जो पिगी बैंक है आपको नोट्स सिर्फ यहाँ पे रखने होते हैं, ये अपने अंदर खींच लेगा सारे नोट्स और यहाँ से आप कॉइन्स डाल सकते हो इसके अंदर। ये वाला पिगी बैंक भी मुझे ठीक ठाक सही लगा, आपको इन दोनों पिगी बैंक में से कौन सा वाला पिगी बैंक अच्छा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना भूल गया था, इसके अंदर आप अलार्म भी सेट कर सकते हो। चलिए दोस्तों अभी हम दे देते हैं शाउट आउट।
दोस्तों कल मैंने एक आरसी मसल कार की वीडियो डाली थी, बड़ी कमाल की स्पीड थी यार उस कार की, जाकर वीडियो जरूर से देख लेना। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है मन्नान खत्री, फहद अली खान, मोनीदीपा देव, चिन्मय वरतकर, हबीबा, दीपेश माथुर, आरको गराई, विजेंद्र पटेल, योगेश शर्मा, हर्ष शर्मा, नैरित, रवि पटेल, हमीदा खान, अभिराम। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शॉर्ट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाले वीडियो में भी मैं 15 लोगों के नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी यहाँ पे अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वाली वीडियो को लाइक करेंगे। दोस्तों मेरे पास और भी 5 से 6 पिगी बैंक्स का कलेक्शन है, वो सारे पिगी बैंक्स का मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। दोस्तों अगर आप चाहते हो मैं पिगी बैंक का वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना, मैं जरूर से बना दूंगा यार। तो आज की वीडियो यहीं पे होती है एंड, मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और कुछ धमाकेदार टॉयज के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।